मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे सो यहाँ पे हो रहा है सुबह के दस साढ़े दस बजे के आसपास का टाइम तो सुबह की भाग दौड़ना इतनी लगी रहती है मैं बता नहीं सकती हूँ आपको बहुत ज़्यादा सुबह से काम थे और आज ना मैंने जो है वो पतले वाली बेड वगैरह वो सारी क्लोज कर दी है और गर्म बेड निकाल दी हैं थोड़े बहुत जो है कपड़े धोए थे बेड वगैरह और आदि का बिस्तर वगैरह मौसम देखिए कितना ज़्यादा खराब वो रखा था और आज है संडे की संडे था और वही संडे की मॉर्निंग है और आदि जो ना इस टाइम पे सोया था तो मैंने फटाफट फड़ से बहुत सारे कपड़े आज वॉश किए मैं का जो है अब जो है सर्दी की मैं तैयारी कर दूँ अपनी स्पेशली जो बेडशीट वग़ैरह उन्हें निकाल दूँ क्योंकि ठंड बहुत हो गई है और पिछली रात को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगी क्योंकि हमने सिंगल जो है डबल बेड का ब्लैंकेट ले रखा था आज जो रज़ाई वगैरह वो सब निकाल दिया और पुराने कपड़े जो थे ना बेड वग़ैरह वो मैंने क्लोज कर दी तो धो के रख दिए अच्छे से और मौसम बहुत ख़राब था बहुत अभी दो तीन दिन शायद बारिश हो सकती है और कपड़े जो है वो धुलना पॉसिबल नहीं होता स्पेशली जो इस तरह के कपड़े होते हैं और बस यहाँ पे आधी फ़िलहाल ना सोया हुआ था आराम से और हस्बैंड बस मुझे यहाँ पे बोल रहे थे कि आज जो है हम जाकर रहेंगे सो आज हमारा लवी जाने का प्रोग्राम था शाम को एक्चुअली हस्बैंड ना दो तीन दिन से बोल रहे थे कि चलो चलो बट मेरा ये होता था ना शेड्यूल बहुत बिजी और शाम को फिर जो है अपना काम ट्यूशन्स वग़ैरह का तो आज संडे था आज तो मैं बिल्कुल फ्री थी तो मुझे बोल रहे थे कि शाम को चलते हैं और तुम जल्दी से काम करके फ्री हो जाओ एक्चुअली मुझे अभी लंच वग़ैरह भी बनाना था बहुत सारे काम थे सुबह से भी ना मैं लगी थी मतलब जैसे उठी और वैसे ही जो है सब काम में लगी थी तो बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं था और हस्बैंड जो है ना और बस यहाँ पे जो है बता रहे थे मुझे कि शाम को चलेंगे तुम जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ एक्चुअली ये भी ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और घर की जिम्मेदारी अगर हो ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता टाइम निकालना बट आज संडे था तो थोड़े से फ्री थे ये फ्री तो नहीं थे बहुत सारे काम थे इनको पर वो सब छोड़कर इन्होंने कहा कि चलिए तुम्हारे साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा और थोड़ा सा आदि भी जो है वो भी देख लेगा और लवी जो है वो सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं और मैं कहा चलो ठीक है फिर मेरा भी मन बन गया और क्योंकि दो तीन दिन, दिन से बहुत फोर्स कर रहे थे तो यहाँ पर ना मैंने देखी गर्म बेडशीट जो है वो बिछा रही हूँ मैं और ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना मैं बता नहीं सकती हूँ आपको बहुत ठंड हो गई है और जब मौसम खराब होता है तो और ज़्यादा ठंड लगती है तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से बिछा दिए गरम बेडशीट और जो है रज़ाई वो भी मैंने निकाल दिए गरम वाली और मतलब क्योंकि ठंड बहुत है तो रात को ना उस वजह से आदि भी बार बार उठता है मुझे लगता है उसके उठने का यही रीज़न है आजकल क्योंकि आजकल ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि ठंड बहुत होती है और अब जो है हीटर वगैरह वैसे तो मैं लगा के रख दिया है बट जो है ब्लोर वगैरह वो भी अब निकालने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो बिस्तर है ना वो रात को थोड़ा सा गर्म हो जाता है स्पेशली बच्चे के साथ ना बिल्कुल हम मतलब रिस्क नहीं ले सकती मैं और मुझे तो आधी के ना बीमार होने का बहुत डर लगा रहता है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ठंड ना लगे और ठंड से बचा रहे और अभी भी वो सोया था फिलहाल तो मैं कब फटाफट से बिछा देती हूँ वो उठ जाएगा तो मुझे कुछ भी नहीं करने देगा तो इसके बाद ना मुझे लंच भी बनाना था और बहुत सारे काम थे अभी और मुझे तीन बजे तक फ़्री होना था ताकि हम जो है तीन साढ़े तीन चार बजे यहाँ से निकल जाएं और मतलब बहुत सारे काम होते हैं यार पॉसिबल नहीं हो पाता कि टाइम निकाल पाओ बट फिर भी हम कोशिश करते हैं हस्बैंड और मैं कि चलो थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड मतलब निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं घूमने का मतलब निकाल लेते हैं टाइम और होना भी चाहिए ये चीज़ क्योंकि घर के काम जिम्मेदारी ये सार सब चीज़ें ना मतलब चली रहती है बट अगर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मिलता है आपको या फिर आप थोड़ा सा जो है मतलब बाहर जाके ना घर से बाहर निकल के थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है माइंड नहीं तो उन्नी सारी चीज़ों में लगे रहो तो थोड़ा सा खुद को भी डम्प फील होता है तो थोड़ा सा ना मन मतलब हल्का हो जाए और अच्छा फील हो तो हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं और दो तीन दिन से वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही थी अभी देखिए बिल्कुल जो है वो रूम सेट हो चुका है सो आज ना मैंने अपनी जो है वो गर्म बेडशीट्स निकाल दी है और आदि की जो पुरानी मतलब बेडशीट थी पतले वाली वो हटा दी है अब उन्हें पैक कर दूँगी आयरन करके तो ये बिछा दिए मैंने रात को ना बहुत ठंड हो गई है सो अभी सारे काम करती हूँ अभी काम करना बाकी है कपड़े अभी डालिए क्योंकि आज ही सोया था तो वो परे वाले रूम में सोया है आज और बस अभी लंच भी बनाना उसके बाद शाम के टाइम देखते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा सा सो चलिए अभी फटाफट से बाकी काम कर रहे हैं गुड इवनिंग गाइस यहां पे हो रहा है इवनिंग तो नहीं आफ्टरनून ही है टाइम साढ़े तीन बजे के आसपास का आदि को ना लंच वंच मैंने बना दिया था उसके बाद आदि को लंच करा के उसे सुला दिया था मैंने हाफ एन आवर के लिए और उसके बाद मैंने किचन क्लोज़ करके मतलब बर्तन एंड ऑल उसके बाद मैं यहाँ पर ना रेडी हो गई थी तो बिल्कुल भी पाँच मिनट भी नहीं बैठी थी और यहाँ पर जो है जाने का हमारा प्लान बन गया तो साढ़े तीन हो रहे थे तो बस चार एक बजे हमें निकलना है तो यहाँ पे फटाफट से रेडी हो गई आदि को भी मैंने जो है ना वो रेडी कर दिया है सो ठंड गाइस बहुत ज़्यादा थी तो इसी भी मैंने जैकेट पहना दिया और मोटे वाला पजामा और सॉक्स वगैरह अच्छे से पहना दिए हैं और ख़ुद भी जो है ना मतलब अच्छी स्वेटर पहन ली थी गर्म वाली और जो है स्काफ़ भी ले लिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और शाम तक शायद बारिश भी हो शाम के हो रहा है चार बजे के आसपास का टाइम सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और आदि को भी ना रेडी कर दिया है ओके आई आई एम एम रेडी रेडी बोलो <laughs> बिल्लू सो so, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और अभी टाइम अच्छा ओके okay, आप बात कर लो आप बात कर लो अच्छा चार बजे के आसपास टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा था तीन बजे निकलेंगे बट चार बज गए लिटरली अब जाके हम निकल रहे हैं क्योंकि हस्बैंड ना वो थोड़ा सा अपनी कटिंग वगैरह कराने गए थे सो आज मतलब पहली बार मैं जा रही हूँ इतने टाइम बाद लवी मतलब बहुत दिन शुरू तो ग्यारह से हो गई है आज शायद थर्टीन फोर्टीन फौ, है आज तो जो है एग्जीबिशन मैंने वो आदि को दिखाना था थोड़ा सा इसलिए हम अभी जा रहे हैं सुबह से घर के कामों में बिज़ी थी अब जाके लंच बनाया लंच करके फ्री हुए और उसके बाद में डायरेक्ट तैयार होने लगी मतलब रेस्ट का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आज संडे भी था मैं सो चलिए और ट्यूशन भी ऑफ है तो जाके आती हूँ कल के बाद फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी इसके बाद अब हम तो क्योंकि लवी तो पूरा महीना चली रहती है तो हम तो जाते रहेंगे बट ये था कि एग्जीबिशन जो होता है ना वो फोटीन मतलब सिक्सटीन तक होता है शायद सो वो मैंने आगे को दिखाना था थोड़ा सा ओके 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 सो बड़ी मुश्किल से इसे रेडी किया है एक्चुअली ये सोया था सो चलिए फिर फटाफट से जो है हस्बैंड का वेट कर रहे हैं हम उसके बाद निकलते हैं सो so फाइनली हम लोग पहुंच गए थे लवी ग्राउंड तो इस तरह से है कुछ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था और अभी ना नाइट फंक्शंस वाला ही आ, चला है सिस्टम तो फिर उतना ज़्यादा ग्राउंड फुल नहीं हुआ है तो यहाँ पे इस तरह से बोर्ड लगा था कि वेलकम टू इंटरनेशनल लवी फेयर ट्वेंटी और इस तरह से है कुछ जो शॉप्स वगैरह हैं तो ये है किनौरी मार्केट दूर से दिखा रही हूँ अभी फ़िलहाल आपको तो अच्छा लग रहा था और भीड़ ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हम जो है ना इवनिंग टाइम में गए थे और अच्छा होता है बच्चे के साथ डे टाइम में आप जा भी नहीं सकते हो और डेकोरेशन बहुत अच्छी की थी क्योंकि अभी नाइट फंक्शंस कल तक रहेंगे उस वजह से ना तो ये टेंट वगैरह ये लगा के रखते हैं और यहाँ पे हम एग्जीविशन आ गए थे तो ये वाला जो था ना वो वो पशुपालन उसके ऊपर था उनका थोड़ा सा और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए आदि बहुत खुश हो रहा था देखे तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ एप्पल्स थे बहुत सारी वेरायटीज़ थी अलग अलग मतलब जो भी होती है वेराइटीज़ वो सारी और यहाँ पर जो है ये मतलब जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं ना पुराने टाइम में अनाज होता था हमारे वो सब यहाँ पे लगा हुआ था सैंपल थे ये थोड़े थोड़े से और अब तो बहुत कम उगाते हैं क्योंकि अब खेती बाड़ी तो बहुत कम करते हैं मतलब गाँव में अभी मतलब बहुत कम हो गया है गाँव में भी और ये, ये ना यहाँ पर सबसे बड़ी गोभी थी इसको मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिला था सबसे बड़ा होने में बहुत बड़ी थी और यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ की जो सब्जियाँ थी ना और ये हमारे जो लोकल मिट्ठे करेले होते हैं वो भी थे यहाँ पे और इसके बाद ना दूसरा एग्जीबिशन जो है इस स्टेज से परे को था इसके साथ साथ नाइट फंक्शन भी यहाँ पे शुरू होने वाला था क्योंकि हम शाम को गए थे तो ये थे किनौरी यहाँ पे जो अपना जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल वो दिखा रहे थे एग्जीबिशन सा तो किनौर के लोग और ये वाला ना किनौरी मार्केट है पूरी यहाँ पर जो है आपको वुलन का स्टफ़ मिलेगा विंटर के लिए और बहुत सारे ये ऑर्नामेंट्स होते हैं जिसमें मतलब आप ज्वेलरी ले लो ये खुद स्टोन से बनाते हैं ये लोग और बहुत मतलब जो है एक्सपेंसिव होते हैं तो यहाँ पे ये विशिंग क्या विंड चेन सो ये सारी चीज़ें थी और अच्छा लग रहा था बहुत अच्छे से जो है आ, मतलब ये लोग ना यहीं पे रहते हैं आपको बताऊँ तो यहीं पे रहते हैं ये लोग शाम को और ये अपनी जो एंटिक चीज़ें हैं वो दिखाते हैं पर बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा और यहाँ पे देखिए जो जो नेकलेस है ना ये स्टोन के बने हुए हैंड है ये सारे तो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं इनकी प्राइस बता दूँ तो पाँच छः सौ का एक ही नेकलेस होगा और अच्छा लग रहा था तो थोड़ा सा हम यहाँ पे घूमे इसके बाद ना हम आगे को निकल गए पीछे वाला किनौरी मार्केट जो है ना जहाँ पे फ्रूट शॉल स्टॉल्स वो वहाँ हम नहीं गए आ, और ये यहाँ पे ना कुल्लू वाले बैठे थे तो ये देखिए सॉक्स वगैरह ये भी हैंडमेड है तो पूरे साल ना ये यही काम करते हैं अच्छा हो जाता है बिज़नेस पर्पज़ अच्छा। और ये व्यापारिक मेला है तो पहले से इसी के लिए ये फेमस है तो लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं कुल्लू से आते हैं और किन्नौर से आते हैं बिलासपुर से आते हैं बहुत मतलब अब अपना बिजनेस जिसका जो है ना उसके लिए आते हैं और अपना जो भी इनका टैलेंट है ना वो यहाँ पर दिखाते हैं कि हमने ये चीज़ की है अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा सो ये डॉम है बहुत बड़ा सा अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी छोटी स्टॉल्स काइंड ऑफ बने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है देखने के लिए तो यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ एक चीज़ें इसके बाद हम आ गए थे थोड़ा सा बाहर की तरफ को तो यहाँ पे देखिए चेयर्स वगैरह लगी हैं तो नाइट फंक्शन का यहाँ पे पूरा माहौल बन गया था तो क्योंकि टाइम जो है पाँच बज रहे थे यहाँ पे और ये बड़ा सा लग रहा था डोल और जा... यहाँ पे मैं सोचा चलो आदि को थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि लाइटिंग वाला था इस बार तो अच्छा लग रहा था लाइट्स वगैरह लगी थी प्रॉपर तो रश देखिए कितना ज़्यादा था मतलब शाम को उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना होता है एक्सपेक्ट जितना किया था मैंने उतना नहीं है इस बार लाइटिंग वाले डोलते तो अच्छा लग रहा था आदि बहुत छोटा है तो इसको तो हम बिठा नहीं सकते अभी तो दिखा ही रहे थे बस तो मेरा ये था कि कुछ छोटे बच्चों की गेम होगी तो कुछ इसको खिलाऊंगी बट नहीं कुछ खेलने का मौका ही नहीं मिला जो राउंड राउंड सा झूला लग रहा था ना तो इसमें भी जो है दो तीन साल के तक के ही बच्चे थे तो नहीं बैठ पाना था ये अकेले तो फिर हमने बस इसको दूर से दिखा दिया बट बहुत खुश हो रहा था और यहाँ पे ना सिड्डू को तो हम कैसे मिस कर सकते हैं तो ये जो है बहुत फेमस आइटम होती है लवी में सिड्डू और बिलासपुरी बिलासपुर के बिलासपुरी साग और मक्की की रोटी तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी नेक्स्ट डे तो अभी तो जो है हमने आज सिड्डू एंजॉय किया क्योंकि हमारे पेट में इतनी जगह थी लंच करके हम लोग आए थे घर से तो सोचा चलिए एक एक सिद्धू तो बनता है और इसके बाद जो है हम लोग बस थोड़ी देर यहाँ पे बिल वग़ैरह करके उसके बाद हम निकल गए थे बाहर की तरफ को बट बहुत अच्छा लग रहा था और अभी ना देखिए नाइट का टाइम था तो बहुत सारी लाइट्स चली थी वो देखिए झूला कितना सुंदर लग रहा था बहुत ब्यूटीफुल व्यू था यहाँ पे जो है ना फेमस बिलासपुर का मतलब ढाबा है ये और ये यहाँ पे मक्की की रोटी सरसों का साग भाई वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड फ़ेमस मतलब कि यहाँ पे फ़ेमस है तो वर्ल्ड फ़ेमस मुँह से मेरे निकल गया तो यहाँ पे मक्की की रोटी कोदे की रोटी बहुत अच्छी बनती है और बहुत मतलब हर साल बहुत सारे लोग मतलब खाते हैं इंजॉय करते हैं और मतलब घर पे तो बनाते ही हैं बट इनका ना कुछ अलग ही टेस्ट होता है तो यहाँ पे बस अब हम जो है शाम के टाइम निकल पड़े थे घर के लिए सो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा बाहर निकल के और अच्छा लगा मतलब थोड़ा सा घूम के तो बस हस्बैंड ने जो है गाड़ी थोड़ा सा आगे को लगाई थी तो हम लोग निकल पड़े अब घर के लिए आदि ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत खुश था वो हेलो अभिवान गुड इवनिंग सो फाइनली अच्छा बात ही नहीं करने देते हो मुझे सो so हम पहुंच गए हैं घर फाइनली और टाइम हो रहा है अभी पौने आठ बजे के आसपास पास सो so हम जो है घूमते घूमते आ गए गाड़ी हमने ना रास्ते में पार्क की थी क्योंकि वहाँ पे तो ले जाने नहीं देते हैं पुलिस वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा लवी के दौरान ना थोड़ी स्टिकनेस होती है बहुत इन्जॉय किया और घूमे फिरे और अच्छा लगा जाके सिर्फ पापा नहीं थे मतलब फादर इन लॉ मेरे बाकी मम्मी मैं हस्बैंड आदि हम सारे थे सिर्फ पापा नहीं थे क्योंकि वो गए थे कहीं पे अब हम जो है नेक्स्ट उनके साथ जाएंगे आज हम इसलिए गए क्योंकि थोड़ा सा जो एग्जीबिशन था ना वो आदि को दिखाया और अभी नाइट प्रोग्राम लगा था तो वो वाला एरिया भी बहुत बड़ा एरिया ना कवर किया हुआ है So, कल सो कल परसों वो भी उठ जाएगा आ, मतलब फिफ्टीन या सिक्सटीन को उसके बाद जो है असली लवी शुरू होती है आज तुम बस ऐसे ही गए थे कि चलो थोड़ा देख के आते हैं कि कैसा है माहौल पहले तो बिल्कुल मन नहीं था फिर हस्बैंड ने सुबह ही बता दिया था कि आज संडे है चलो तुम आपको घुमा के ले आता हूँ आदि कर दो सबको बाय बाय पाप ने आज का जो ब्लॉग है ना वो एंजॉय किया होगा मैं आपसे कल मिलूंगी प्यारे से ब्लॉग के साथ बिकॉज मैं भी टायर्ड हो चुकी हूँ और आदि भी और अब इसके बाद तो ना हिम्मत ही नहीं बची कि आगे शूट करूँ मैं सो so, उम्मीद है आपने आपको लवी का जो थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग है बाकी जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो आपके साथ और शेयर करूंगी कुछ और चीज़ें आज जो है जितना टाइम था थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया मतलब उतना ज़्यादा खास अभी नहीं लगी है जैसे प्रॉपर लगती है ना लवी असली वाली वो नहीं लगी अभी और किनौरी मार्केट है पीछे पीछे हो वो हम ज्यादा घूमे नहीं क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था सो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी सो चलिए आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं डू सब्सक्राइब और बाय बाय लॉट्स ऑफ लव गाइज